ये चमचमाता हुआ गोल्डन बॉय एडम वॉरलॉक आखिर है कौन और उसके सर पे ये क्या लगा हुआ है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की ट्रेलर फाइनली आ चुकी है और अब मैं 100% कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि रॉकेट नहीं मरेगा, क्योंकि यहाँ पे जेम्स गन ने एक टेक्निक यूज की है जिसे कहते हैं डिसेप्शन। बिकॉज हम सब पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉकेट जाने वाला है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसे सीन्स डाले हैं जिसे देखकर लगे कि रॉकेट सच में मरेगा, बट एक्चुअल में होगा कुछ और ही। यार बात करें एडम वॉरलॉक की, तो ये वही है जिसे हमने वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में सोवेरियन प्लैनेट पे बनते हुए देखा था। अब एडम वॉरलॉक कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है जिसके सर पे सोल स्टोन रहती है, एंड सिंस अब प्राइम एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं रहे तो उसके सर पे क्या हो सकता है। मेरे पास 3 गेसेस हैं। सबसे पहली और जिसकी सबसे कम चांसेस है, ईगो स्टोन, जो ईगो का खुद का बनाया हुआ इन्फिनिटी स्टोन है। मैंने इसे बस इसलिए गेस किया है क्योंकि जेम्स गन स्टोरीज को कनेक्ट करके लिखते हैं, बाकी लिटरली और कोई रीजन नहीं है। दूसरा, ये रॉकेट के पीठ के जैसे कुछ कनेक्शन मार्क्स हो सकते हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा एजुकेटेड गेस, ये एनुलेक्स बैटरी है, क्योंकि सोवरेंस की पूरी सिविलाइजेशन की पावर सोर्स वही है, सो इट मेक्स सेंस कि एडम की पावर सोर्स भी वही हो।